जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछली वीडियो में प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये वाला मोबाइल फोन बताओ कौन सा है। कमेंट करके बताना किस किस भाई ने यूज किया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि भाई मेरा फोन हैंग करता है, लैग करता है। तो आज की वीडियो में बेसिकली ये जानेंगे कि हमारा फोन लैग हैंग क्यों कर। देखिए मैं ना आपको सिंपल तरीके से कहना चाहूंगा, अगर आप अपने मोबाइल फोन की रैम को फ्री रखोगे ना तो आपका मोबाइल फोन हैंग नहीं करेगा, फिर चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। ठीक है, मैं पर्टिकुलर किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, मगर सारे मोबाइल फोन के साथ यही कुछ बातें अप्लाई कर सकते हैं जो मैं आज की वीडियो में आपको बता सकता हूँ। 5 तरीके बताता हूँ आपको रैम को फ्री रखने के। हाँ ये कर लो पहले। आइडिया आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ रैम किसे कहते हैं, आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने अभी भी कंफ्यूजन में रहते हैं, भाई रैम किसे कहते हैं, रोम किसे कहते हैं। आसान तरीके से बताऊं, आप शादी में तो गए होंगे, शादी में है ना आपने खाने के टेबल देखे होंगे ना, यहाँ से आपको ज्यादा अच्छी समझ में आएगी। पे जो डिश रखी रहती है ना, कई तरीके की डिश रखी रहती है, आलू गोभी है, मिक्स वेज है, चावल छोले पनीर, सारी चीजें, सारी डिश अलग अलग लगी हुई है। अब हम जब खाना खाते हैं ना तो इनमें से निकाल निकाल के खाते हैं, है ना। इनमें खाना कहाँ से आता है, इनमें आता बावर्ची खाने से। पीछे टेंट के पीछे देखना, कुछ बंदे लगे होंगे कढ़ाई वढ़ाई लेके और भाई साहब खाना बना रहे होंगे, उसे कहते हैं हम स्टोरेज, यानी कि रोम कह सकते हो आप, है ना। वहां से खाना लेकर इन डिशों के अंदर डाल के हमें परोसा जाता है, ये होती है रैम, जो हमारी डिशों की टेबल होती है वो होती है रोम, जहां पर खाना हमारा स्टोर रखा हुआ। इतना आप समझ गए। अब हमें अगर खाना खाना होगा ना तो हम पहले खाने की टेबल पे जाएंगे, ना कि हम पीछे बावर्ची खाने में पन्नी लेके पहुंच जाएंगे, भाई थोड़ी सी पनीर की सब्जी डाल दी हो। ऐसे उल्टे काम सबने कर रखे हैं, उम्मीद है कभी ना कभी आप लोगों ने भी करे होंगे। बात तो सही है, हम डायरेक्ट वहां तो खाना लेने जाते नहीं क्योंकि वहां बावर्ची धमका के भगा देता है। वो कहता है कि भाई साहब मेरे को परमिशन नहीं है, जब तक ऊपर से परमिशन नहीं मिलेगी मैं आपकी पन्नी में एक पनीर का टुकड़ा ना डालू। मालिक से परमिशन लिया हो, मालिक हो गया मोबाइल फोन में सीपीयू। सीपीयू जब तक परमिशन नहीं देगा ना, जब तक रोम सही से काम नहीं करेगी, आपके मोबाइल फोन की रैम भी सही से काम नहीं करेगी। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब मैं आपको रैम के बारे में समझा रहा था, रैम पर भीड़ लगी रहती है तरीके का खाना लेने के लिए। इतना आप समझ गए, रैम बोलेंगे खाने के टेबल को और रोम बोलेंगे हम स्टोरेज वाली जगह को, जहां पे बावर्ची खाने में काम चल रहा है। मोबाइल फोन के अंदर भी ले आओ, इतना आप समझ गए। अब ये बात है ना आपको आखिर में जाके समझ में आएगी मैंने ये खाने वाली बात आपको क्यों बताई थी। अब उसे साइड में कर दो, अब मैं आपको रैम को क्लियर करने के 5 तरीके बताता हूँ। सबसे पहला तरीका बताता हूँ आपको, बैकग्राउंड ऐप को बंद करना। बैकग्राउंड में जो भी ऐप चल रही हो इसे आप बंद कर देंगे ना, इससे आपके मोबाइल फोन की रैम फ्री हो जाएगी और आपका मोबाइल फोन स्मूथ चलने लगेगा। अक्सर देखता हूँ मेरे पास कस्टमर फोन लेके आ रहे होते हैं ना, वो कहते हैं भाई देखना नया फोन लिया, 2 से 3 महीने हुए हैं यार, हैंग बहुत कर रहा है। अब मैं देखता हूँ उसके बैकग्राउंड बहुत सारी ऐप रन कर रही होती है। दूसरे सोल्यूशन की तरफ, ऑटो स्टार्ट ऐप को डिसेबल कर दो। मोबाइल फोन की सेटिंग में जाइए, ऐप में जाइए, ऑटो स्टार्ट या फिर लॉन्च मैनेजर में जाओ, जो ऐप ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है ना उसको आप डिसेबल कर दो, बिंदास कर दो, नो टेंशन। अभी आगे जाके ये भी बताऊंगा कौन सी ऐप आपके मोबाइल फोन की ज्यादा रैम कंज्यूम कर रही है, ये आपको कहां से पता चलता है, आप ही के मोबाइल से पता चलता है और आपके मोबाइल फोन में ये ऑप्शन होता है। आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, अभी आगे जाके मैं बताऊंगा, वीडियो को स्किप करके मत देखना। ऑटो स्टार्ट वाली ऐप होती है ना, इनको डिसेबल करने से क्या फायदा होगा हमारा, जब आपका फोन ऑन होगा ना तो ये ऐप आपके मोबाइल फोन की रैम को यूज ही नहीं करेंगे, रैम को क्लियर करने के तीसरे पार्ट की तरफ। तो सारे बंदे है ना 10 से 20 हजार रुपए तक का फोन खरीद लेते हैं और उसमें एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो लाइव वॉलपेपर लगाते हैं। लाइव वॉलपेपर जो होते हैं ना, ये एक तरह से ना आपके मोबाइल फोन की रैम को है ना बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं। भाई कोशिश करो लाइव वॉलपेपर का यूज करो ही मत, हालांकि कंपनियां भी देती हैं ऐसे ऑप्शन अपने मोबाइल फोन में कि आप लाइव वॉलपेपर लगा लो, आप मत लगाना, आप कोई स्टेबल वाला वॉलपेपर कोई से भी लगा लो, सिंपल सा लगा के रखो, ये भी आपके मोबाइल फोन रैम को कंज्यूम करने का हिस्सा बनता है। और लाइव वॉलपेपर ना लगाने से ना आपके मोबाइल फोन में 2 फायदे हो जाते हैं, एक तो आपकी रैम कम कंज्यूम होगी, दूसरा आपकी बैटरी भी तो ज्यादा चलेगी, बैटरी भी बचेगी भाई आपकी। अब आ जाते हैं हम चौथे पार्ट की तरफ। भाई चौथे पार्ट में मैंने आपके लिए रखा है, देखो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, बहुत सारे बंदे ना 10 हजार रुपए तक का फोन खरीदते हैं, उस नीचे का भी फोन खरीद लेते हैं, खुद जरूरत के हिसाब से रिकमेंड करते हैं ऐसे फोन। तो ये फोन तो आपने खरीद लिए, अब देखो जरूरी नहीं है कि इनके अंदर आपको हाईफाई रैम की क्वालिटी मिलेगी या फिर हाईफाई यूएफएस स्टोरेज मिलेगी, हो सकता है आपको ईएमएमसी स्टोरेज मिल जाए या फिर यूएफएस के कम वर्जन की स्टोरेज आपको मिल जाए। तो ऐसे में पता है आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, मोबाइल फोन में ना जितनी भी हैवी ऐप होती है ना, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इनका है ना लाइट वर्जन इंस्टॉल करना। बहुत सारे बंदों को नहीं पता होता, देखो मेरे पास दुकान पर जब कस्टमर फोन लेके आता मैं देखता हूँ उसके अंदर वो हाईफाई वर्जन यूज कर रहा है, उसकी एमबी भी ज्यादा होती है, फोन का डेटा भी ज्यादा लेगी और वो आपके फोन की बैटरी भी ज्यादा लेगी। तो ऐसे में पता आपको क्या करना चाहिए, अगर फेसबुक यूज कर रहे हो तो फेसबुक लाइट डाउनलोड करो, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर या फिर यूट्यूब गो, आपका फोन एकदम बिंदास चलेगा, एकदम स्मूथ मक्खन की तरह चलने लगेगा क्योंकि आपके फोन पे लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं 5वें तरीके की तरफ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी एक वीडियो में इसको बताया था मगर मैं ये बताना भूल गया था कि ये आपको डेली करना चाहिए ये काम, या फिर हफ्ते में एक बार, या फिर 15 दिन में या महीने में, पता नहीं मैंने कितने दिन बोल दिया था, बहुत सारे कमेंट आने लगे थे भाई ये डेली करना है ये काम या फिर 2-3 दिन छोड़ के।
आज आपको क्लियर करता हूं, आप डेली की डेली जैसे हम नहाते हैं ना, जैसे हमारे शरीर को नहाने की जरूरत होती है, इससे हम रिफ्रेश हो जाते हैं एक तरह से, इसी तरीके से ना आप अपने मोबाइल फोन को एक बार रिस्टार्ट कर लिया करो, दिन में एक बार जरूर कर लिया करो, इससे आपका मोबाइल फोन एकदम रिफ्रेश चलेगा। और रिस्टार्ट करने से है ना आपके फोन की जो रैम होती है ना वो रिसेट हो जाती है। रिस्टार्ट करने का सबसे बड़ा फायदा आपको बताऊं, आपके मोबाइल फोन की जो रैम होती है ना वो रिसेट हो जाती है, आपका फोन एकदम स्मूथ चलने लगेगा, यानी कि काफी हद तक आपको फायदा मिलेगा रिस्टार्ट करने का। और डेली डेली कर सकते हो भाई, डेली करो, भी आपका फोन हैंग लैग करे उनको आप रिस्टार्ट कर सकते हो। बंदे ये काम नहीं करते भाई, देखो कोई भी एक मोटर चला लो या पंखा चला लो, ये चलते रहेंगे ना तो ये गर्म हो जाएंगे चलते चलते यूज होते हो। मोबाइल फोन भी तो एक नहीं होती है भाई, ये छोटे पार्ट जरूर होते हैं मगर होते ये भी मशीन के शेप में, ठीक है। इसके अंदर भी ट्रांजिस्टर, डायोड, हार्डवेयर फैमिली लगी हुई है इसके अंदर, उन्हें भी जरूरत होती है थोड़ा सा आराम करने की। अगर आप ये सावधानियां बरतेंगे ना तो आपका मोबाइल फोन काफी अच्छा चलेगा। मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ, आ जाते हैं बोनस टिप की तरफ। डेवलपर मोड से आप अपने मोबाइल फोन की रैम कैसे चेक करोगे, देखो आपको मैं करके बताता हूँ और आप भी करना साथ के साथ, ठीक है। आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में चले, सेटिंग में जाने के बाद अबाउट में चले जाना, अबाउट में सेटिंग में जाने के बाद है ना सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन होता है ना, इसके बाद ये बिल्ड नंबर होता है ना, इस करोगे ना तो आपका डेवलपर मोड आपका ऑन हो जाएगा, है ना। अब आप इसको बैक कर दो, अब दोबारा से सेटिंग के अंदर आओ, दोबारा सेटिंग के अंदर जाओगे तो सबसे नीचे आपको डेवलपर ऑप्शन दिख जाएगा, डेवलपर मोड आ गया। अब मैं आपको इस डेवलपर मोड के अंदर जाके दिखाता हूँ। अब डेवलपर मोड के अंदर है ना आपको रनिंग सर्विस दिखाई देगी, इस पर टिक करना। इस रनिंग सर्विस में आप सारी ऐप देख सकते हो, आपके मोबाइल फोन की कौन सी ऐप कितनी रैम कंज्यूम कर रही है। अभी रुक जाना वीडियो में, मैं आपको कुछ अलग से हटके बताऊंगा। आप यहाँ पे देखते रहो कौन कौन सी ऐप है जो आपके मोबाइल फोन की रैम ज्यादा कंज्यूम कर रही है। 121 MB सेटिंग कर रही है, इसे तो हम बंद कर नहीं सकते, सेटिंग हमें चाहिए, जरूरी है हमारे मोबाइल फोन के लिए ना। स्टोरेज बूस्टर 29 MB ले रही है, पावर प्लानिंग वाली ऐप है ये 6.3 MB ले रही है। अब इनमें से जो भी ऐप आपको जरूरत की ना लगे उस ऐप को टिक करके उसे या तो आप फोर्स स्टॉप कर सकते हो, और अगर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। इसका मतलब आप अपने घर का चोर पकड़ सकते हो कि कौन सबसे ज्यादा चोरी कर रहा है ना, फिर उसको आप अनइंस्टॉल कर दो या तो उसको स्टॉप कर दो, सिंपल सी बात है। उसके बाद आपके फोन की रैम क्लियर हो जाएगी और आपका मोबाइल फोन पहले से ज्यादा स्मूथ चलने लगेगा। क्या आपको कैसा लगा? अगर मोबाइल रिपेयर वाले यही काम करके दे देते हैं, कभी कभी दुकान पे कस्टमर आता है ना कहता भैया फोन बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है, हैंग हो रहा भाई कोई भी चीज खोल रहा हूँ ना बहुत देर में जाके चल रही है ना, ऐसे हैंग होता है ना। अब पता दुकान वाले अक्सर क्या काम करते हैं, फोन हाथ में लेके है ना बस यही ऐप देखते हैं कौन सी ऐप फालतू की इस बंदे ने डाउनलोड कर रखी है, क्योंकि आप लोगों में क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ये नहीं पता होता कि उनके मोबाइल फोन के अंदर कौन कौन सी ऐप डाउनलोड हो गई। जैसे आपने बच्चों के हाथ में फोन दे दिया, बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं, एक गेम डाउनलोड करने के चक्कर में 10-12 ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, वो एड चलने वाली ऐप भी डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे आपने देखा हो कई बार अपने आप ये एड चल जाती है खामे का, आप कुछ भी दबा रहे हो आपके सामने एड आ जाती है, 30 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड है ना, ऐसे ऐसे आ जाती है ना। तो चीजों को सेटिंग में जाके आप मैनेजर में जाके उनको अनइंस्टॉल कर सकते हो। लेटेस्ट ऐप आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल हुई थी उसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, आपके फोन की वो ऐड की प्रॉब्लम भी चली जाएगी और वो फोन फास्ट भी हो जाएगा। कहते हैं मेन कंक्लूजन पे कि आप अपने मोबाइल फोन को पहले से ज्यादा फास्ट कैसे कर सकते हो। सबसे पहली बात, रिसेंट ऐप को क्लोज कर देना। दूसरी बात, ऑटो स्टार्ट ऐप को डिसेबल कर देना। तीसरी बात, लाइव वॉलपेपर का यूज मत करना। चौथी बात, लाइट ऐप्स यूज करो। पांचवा, डेली एक बार रीस्टार्ट अपने मोबाइल फोन को जरूर कर लिया करो। और छठा, अगर आपको रैम की एक्चुअल यूज के बारे में जानना है कि वो कहाँ पे कितनी खर्च हो रही है, तो मैंने वो बताई। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों आपको? ये सिर्फ आपका फोन फास्ट करने के लिए आपको बताया है, इसको यूज कर लेना बिंदास, आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपका मोबाइल फोन पहले से ज्यादा फास्ट चलने लगेगा। ऐसी बहुत सारी जानकारी और आगे वीडियोज में देनी है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का। गुड बाय।